पहली वीडियो बनाई थी, अगर अच्छी लगी हो तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब मुझे किया होगा। तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, अब मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मुर्गी को अपने अंडों पर कैसे बना सकते। तो आइए स्टार्ट करते गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैसा काटा लेना, किसी भी आपका ले सकते हैं। आपने क्लिक कर दिया, चाहे कोई भी आप काटे मुर्गी चाहते चाहता मिल जाते हैं आराम से। आपने उसके यहाँ पे ऐसे कुछ करके अरे लंबा सा वो करना है सुराख, ताकि मुर्गी अंदर जा सके। आपने उसके अंदर डाला भूसा, तो आइए भूसा लेके आते हैं। फ्रेंड्स ऐसा कुछ ऐसा चाहिए कि बात में डाला था, मैंने चेक कर लिया, मैंने भूसा भी मेरे पास कम अवेलेबल है, मैंने अवेलेबल कर दिया। अब आइए अंदर का काम करते हैं। आप भूसा लेके भूसे को इस तरीके से फैला देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से फैला देंगे। मैं अपनी मुर्गी को सात अंडों पर बिठाऊंगा, और अभी मैं आपको अंडे नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मैं आपको अंडे नहीं दिखा सकता। अंडे को मैं हाथ लगाऊंगा तो मुर्गी बैठ जाएगी, अंडे को आप कभी हाथ नहीं लगाएगा और हवा नहीं दीजिए, बस आप अंडे को रख दीजिएगा, मुर्गी उसको खुद ही अपने अंदर लगेगी। ये डिब्बा भी मेरी तरफ से थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैं इसमें थोड़ी हाइट कम रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। डिब्बा मेरे पास अब आगे बढ़ा, तो अब डिब्बा चेंज करके फिर मैं आपको दिखा दूँ मुर्गी बैठा के। बिल्कुल ऐसे कर आपको बताया था, मैं अपना बॉक्स चेंज करने वाला हूँ, मैंने कर लिया है। ये डिब्बा अभी भी काम कर नहीं आया, तो उसको आप आएंगे भूसा मैंने चेंज किया, सारे बॉक्स बनाए, मैंने मुर्गी बिठा दिया। असल में मैंने मुर्गी बिठा चुका हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मेरी मुर्गी, ये भी असील है, उसी की फीमेल थी, मैंने यहाँ पर अंदर रखा, उसे खुद ही अपने अंदर कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ उसके क्या करें। अब आप साइड के अंदर कुछ इस तरीके से पानी डाल दें, और किसी कटोरे में नहीं फैला हुआ, कैसे भी किसी चीज़ का डाले ऐसे नहीं बाहर रख दें। उससे क्या होगा, मुर्गी को ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा, जैसे आपने वहाँ फेंक दिया मुर्गी को चुगना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह मिल जाएगा, तो मुर्गी अंडों को ज़्यादा देर नहीं छोड़ेगी। अगर आपने दूर रख दिया और मुर्गी अंडों को ज़्यादा देर छोड़ेगी, तो अंडों पर हवा लग जाती है, मुर्गी अंडे ख़राब करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैंने बहुत दूर रखे अंडे, सही है, मैंने अंडे तो रख दिए मुर्गी के नीचे, 13 अंडे रखे माशाल्लाह से, इसी मुर्गी के नीचे मैंने माशाल्लाह 13 अंडे रखे, लेकिन मैंने रख दिया सब आजा पानी दूर, और मेरे साथ था मुर्गा, वही रोस्टर इनके साथ था, मुर्गी के साथ वो रोस्टर उसको तंग करते था। अब 13 अंडे रखे मैंने 21 दिनों को, उसके बाद देखा एक अंडा मुर्गी के नीचे नहीं था, सारे अंडे वो रोस्टर तोड़ के खा गया। तो उसने अच्छा यही होता है कि आप जिस टाइप का मुर्गा छोटा भी उसको अलग रखें मुर्गी के साथ, नहीं तो फिर बहुत तंग करता है ना मुर्गी को, हटा देगा उसने बैठे हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मुर्गी अंडे में से बच्चे निकाली थी 21 दिन में, 40 दिन तक बैठ सकती है, नहीं कि 21 दिन में आपने कहा बच्चे निकाले अंडे ख़राब होगा अंडे फेंक, ऐसा नहीं है। 40 दिन तक मुर्गी अगर बैठी हुई है, मतलब 40 दिन बाद भी बच्चे निकलने का चांस होता है, मुर्गी बैठी रहेगी, अगर सारे अंडे ख़त्म हो जाएगा ख़राब हो जाएगा, मुर्गी 21 दिन बाद खुद ही उड़ जाएगी, आपने उसको नहीं छोड़ना है। बस आपने अगर ना एक जैसे मैंने आप देख रहे थे, मैंने एक मेरा स्टोर रूम, मैंने एक ऐसा कमरा लिया है, इस कमरे के अंदर मैंने साइड में उसको बिठा दिया है, ऊपर से ना बारिश के कोई चांस है ना कुछ है, बस हल्की सी यहाँ से रोशनी आ रही है इस खिड़की से आप देख सकते हैं, और मैंने गेट बंद कर दिया, ऐसे कबाड़ मुझे अकेला महसूस करेंगे ना बैठी रही है मुर्गी, तो बस ऐसे खाने आती है रात में, आती खाना खा ली तो थोड़ा सा सर्दी है तो थोड़ी गर्म जगह, ऐसा मैं मुर्गी अंडों पर बढ़ा दिया, मुर्गी अंडों पर छाटेगी भी नहीं, सब ठीक है। और ज़्यादा आगे नहीं देखे मुर्गी को, आप ज़्यादा देखेंगे जैसे मैंने अभी हटा के देखा, मैंने आज पहली दफा हटा के देखा, जब मैं रोज हटाऊँगी ना तो मुर्गी परेशान होगी, अंडे अपने खुद ही तोड़ूंगी, मतलब है मुर्गी में फितरत होती है, अगर आप मुर्गी को ज़्यादा परेशान करेंगे ज़्यादा देखेंगे ना उसको बार बार वो तोड़ देगी, इसलिए याद है ये अच्छा ज़्यादा पानी रखें मुर्गी के लिए, ज़्यादा ताकि बार बार आना ना पड़े, और ज़्यादा बारिश तकरीबन 2 दिन तक चलिए, ताकि 2 दिन बाद आप कमरे में आए, और ऐसे ही कहते हैं कमरे में ज़्यादा ना आए, कमरे में बिल्ली ना आए, क्योंकि जब मुर्गी कुड़े होती है बिल्ली उस पर ज़्यादा हमला कर सकती है, बिल्ली ना आए, कौए ना आए, कौए अंडे तोड़ देते हैं, छिपकली का ध्यान रखें, चूहों का ध्यान रखें, चूहे अंडे तोड़ देते हैं, और खासकर उसको मुर्गियों से दूर रखें, मुर्गा आ गया ना तो सारे अंडे आपके बेकार हो जाएंगे। तो अब मैं अपनी मुर्गी बिठा दी, 21 दिन बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरे बच्चे निकलेंगे, मैंने तो अभी 7 अंडों में बिठाई है, 7 अंडे दिए थे, 12 अंडे तो दिए थे उस वाली मुर्गी ने, इसने 7 दिए थे, 12 तो मैंने खा लिए, सर्दी है ना, इसको 7 अंडों में बिठाया, इसके मैंने जमा किए थे, इसको मैंने 7 अंडों में बिठा दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आप देखें अगली वीडियो में मेरे लिए आपका एक सरप्राइज़ है, अब अगली वीडियो देखिएगा आपको सरप्राइज़ पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा हमारा चैनल हमारे।